नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो का अर्थ क्या है, नाटो में कितने संस्थापक सदस्य राष्ट्र हैं, नाटो का कब कब विस्तार हुआ, नाटो में क्यों विभिन्न देश शामिल होना चाहते, रूस आखिर क्यों नाटो में शामिल होने वाले सदस्यों का विरोध कर रहा है, इन सभी तथ्यों की जानकारी संक्षेप में और भी बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं ई गुरु आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो है नाटो। नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। जैसा कि आप जानते हैं कि नाटो वर्तमान समय में चर्चा में है। नाटो को लेकर के रूस ने तनातनी है और पूरा विश्व जो है एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। तो नाटो की स्थापना क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके पीछे कारण क्या थे, इन सब बातों में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर के साथ लड़ा था जर्मनी के विरुद्ध, किंतु ऐसी क्या बात हुई कि दोनों में आपस में तनातनी हुई और दोनों के रास्ते अलग हुए। तो इसके पीछे मुख्य कारण था शक्ति और अपने वर्चस्व को बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब रूस पे भयानक आक्रमण हुआ तो रूस ने अमेरिका से अनुरोध किया कि कुछ और मोर्चे खोले जाए जिससे कि उसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है उसका दबाव कम हो सके, किंतु अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो इससे रूस को बहुत ही नुकसान हुआ। तो रूस को ऐसा लगा कि अमेरिका जानबूझकर चाह रहा है कि उसकी शक्ति कमजोर हो। इसी तरह से जब 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम को बनाया तो उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी गुप्त रखी, सारी सूचनाएं गुप्त रखी, इससे रूस को ऐसा लगने लगा कि रूस से सारा कुछ छिपाया जा रहा है और अमेरिका पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनना चाहता है। इस बीच विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन की नाकेबंदी से यूरोप के राष्ट्रों में थोड़ा भय व्याप्त हुआ और अमेरिका को भी लगा कि रूस जो है साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता है और सारे यूरोपीय राष्ट्रों को अपने पक्ष में साम्यवादी बना करके अपने पक्ष में करना चाहता है। तो अमेरिका को लगने लगा कि रूस के प्रभाव को खत्म करना होगा और ऐसा कोई संगठन बनाना होगा जो रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम कर सके। इसी को लेकर के उसने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की। उस समय 12 राष्ट्र शामिल थे, उसमें 2 अमेरिकी राष्ट्र थे और 10 यूरोप के राष्ट्र थे। यूरोप के अमेरिकी राष्ट्रों में अमेरिका और कनाडा था, यूरोप के राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, आइसलैंड, पुर्तगाल, लक्जमबर्ग, नॉर्वे और डेनमार्क। आपको नक्शे में आप दिखा दूं कौन कौन से, ब्रिटेन, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, इटली, तो इस तरह से इत्यादि जो राष्ट्र थे वो शामिल हुए। इसके बाद से जो है इसका जो है प्रथम विस्तार जो हुआ वो 1952 में हुआ। 1952 में जो विस्तार हुआ उसमें ग्रीस और तुर्की शामिल हुए। ग्रीस और तुर्की, देखिए ग्रीस और तुर्की 1952 में शामिल हुए। इसके बाद 1955 में जर्मनी शामिल हुआ। यह नाटो का दूसरा विस्तार था। जो अगला विस्तार हुआ वो काफी समय बाद 1982 में, 1982 में स्पेन इसमें शामिल हुआ। ये देखिए स्पेन है, स्पेन शामिल हुआ, स्पेन 1982 में शामिल हुआ। फिर क्या हुआ 1999 में इसका अगला विस्तार हुआ। 1999 जो अगला विस्तार हुआ उसमें पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य शामिल हुए। पोलैंड और हंगरी, आप जानते हैं कि पोलैंड, हंगरी और ये चेक गणराज्य है, ये तीनों जो है 1999 में शामिल हुए। इसके बाद से 2004 में 7 राष्ट्र इसमें एंट्री लिए। 2004 में जो है 7 राष्ट्र कौन कौन थे, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेकिया और स्लोवेनिया। ये 7 राष्ट्र जो है 2004 में शामिल हुए, जिसमें बुल्गारिया और छोटे छोटे जो राष्ट्र थे वो इसके बाद शामिल हुए। पुराना मैप है, इसमें आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। फिर अगला जो विस्तार हुआ वो था 2009 में, वो था अल्बेनिया और क्रोएशिया उसमें शामिल हुए।
अल्बेनिया और क्रोएशिया जो है छोटे राष्ट्र है, यहाँ पे अल्बेनिया है और उसी के पास जो है क्रोएशिया भी था, तो क्रोएशिया भी है। तो मैं आपको अलग से इसकी मैप दिखाता हूँ। इसमें अल्बेनिया और क्रोएशिया जो है 2009 में शामिल हुए, जो इसका अगला विस्तार हुआ वो 2017 में हुआ। 2017 में मॉन्टेनेग्रो शामिल हुआ और 2019 में मैसेडोनिया। तो इस तरह से जो है इसका विस्तार होता गया। मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो का भी मैं मैप इसमें बड़ा बनाया है, बड़ा है इसमें, आपको इसमें अलग से आपको दिखाता हूं। तो इस तरह से 2019 तक इसमें 30 राष्ट्र शामिल हो चुके हैं। वर्तमान समय में फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। और अभी आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन संकट जो है, तो रूस यूक्रेन संकट भी जो है वह नाटो में यूक्रेन को शामिल होने को लेकर के, क्योंकि रूस ये नहीं चाहता है कि उसकी सीमा तक नाटो पहुंच जाए और उसकी सीमा पे नाटो की मिसाइलें लगी, उसको ऐसा लगता है कि हमारे लिए खतरा होगा और नाटो का जो विस्तार रूस के लिए खतरा है और उसकी सीमा तक नाटो पहुंचना चाह रहा है। इस कारण से जो है रूस नाटो में शामिल होने वाले सदस्यों का विरोध कर रहा है। नाटो का जो मुख्यालय है वह बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो का जो विस्तार के बारे में बताया गया है, तो नाटो के विस्तार के बारे में जो प्रावधान का उल्लेख है वह वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 10 में किया गया है। इसके साथ ही साथ ये समझिए कि एक यह सामूहिक सुरक्षा का के रूप में संगठन है, क्योंकि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, अर्थात नाटो के जो प्रमुख सिद्धांत है वह यह है कि यदि किसी एक राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो नाटो के सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा और नाटो जो है मिलकर के उसका प्रतिकार करेगा। इस नाते जो है इसमें राष्ट्र इसमें शामिल होना चाहते हैं, एक सामूहिक सुरक्षा की छतरी को पाना चाहते हैं, अपने लिए सुरक्षा का अवलंबन चाहते हैं।